छोटा सा एक टॉपिक है हमारा, वो करते हैं, फिर दोबारा आएंगे इस टॉपिक के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन। ये दोनों साथ साथ के टॉपिक्स हैं, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ के टॉपिक हैं। सो इनको आइसोलेशन में वैसे भी इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एनआईसी के ऊपर एमसीक्यूज आ जाएगा या एनआईसी किसी टॉपिक के साथ कनेक्ट होकर आ जाएगा, एनआईसी इटसेल्फ कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं, कोई मसले वाली बात ही नहीं। अच्छा, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन एक टाइप ऑफ टैक्स है, सही है, जो कि टैक्स अथॉरिटी चार्ज करती है किसी भी इंडिविजुअल से। तो हमारे पास दो तरह के एनआईसी होते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होता है टाइप्स, और एक ट्रेडिंग इनकम से रिलेटेड होते हैं। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड दो तरह के एनआईसी होते हैं, एक होता है क्लास वन और एक होता है क्लास वन ए। क्लास वन में दो टाइप्स होती हैं, एक होता है क्लास वन बाय एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय को देना है, और एक होता है क्लास वन बाय एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर को देना है। और ट्रेडिंग इनकम से रिलेटेड दो एनआईसी होते हैं, एक होता है क्लास टू, यूके में इससे ज्यादा भी एनआईसी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो रेलेवेंट बनते हैं वो ये रेलेवेंट एनआईसी बनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांच एनआईसी के आपको रूल्स पढ़ने। अच्छा, ये टॉपिक इसलिए भी आसान है कि आपको एग्जाम के अंदर जो टेक्स्ट शीट प्रोवाइड की जाती है उसमें एनआईसी के सारे रूल एक जगह के ऊपर दिए हुए, तो आपको वो सारे रूल्स अगर वो दे रहा है तो अल्टीमेटली आपको कैलकुलेशन करते वक्त वो सारे रूल्स वहां से उठा के अप्लाई करने हैं। आपको सिर्फ ये समझना है कि ये एनआईसी जो है ना वो देगा कौन, पे कौन करेगा, सही है, वो आपको समझना है, बाकी तो अल्टीमेटली इसमें इतने कोई मसले वाली बात है नहीं। तो पहले तो मैं आपसे वो शीट वाला जो रूल है वो शेयर करता हूँ ताकि हम पहले उसके ऊपर बात कर लें और फिर आपको बताते हैं कि क्या होगा। तो टेक्स्ट शीट मुझे जो ना वो मिल जाए, बस मैं कैरी कर लूं, एक मिनट आप लोग मुझे दें, वाले पोर्शन पे चलते हैं। और दैट इज रिलेटेड टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एनआईसी क्या क्या हो सकते हैं ट्रेडिंग इनकम से रिलेटेड। ये तो बहुत ही आसान है, देखें जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है वो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो ये जो क्लास टू है और जो क्लास फोर है वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को देने, चाहे उसके पास कोई एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉय ना हो, अगर एक बंदा है सोल ट्रेडर है, खुद से उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसको देने। अब वो कौन कौन से एनआईसी देगा और कब कब देगा, सही है, तो उसमें पहला उसका एनआईसी की टाइप आती है क्लास टू, क्लास टू एनआईसी। ये जो क्लास टू एनआईसी है ये फिक्स्ड है, सही है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि ये वो इंडिविजुअल देगा जिसकी एज 16 साल और अबव हो, यानी कि अगर एक इंडिविजुअल सोल ट्रेडर है और 16 साल से कम है तो उसको क्लास टू नहीं देना पड़ेगा, सही, और वो कब तक देता रहेगा, जब तक वो पेंशन एज तक ना आ जाए, जब वो पेंशन एज को क्रॉस कर जाएगा तो उसका क्लास टू खत्म हो जाएगा। पेंशन एज की आपकी नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, पेंशन एज यूके में वैरी करती है, लेकिन आजकल 65 इयर्स यूजुअली एक पेंशन एज कंसीडर की जाती है। और इसका एक एग्जेम्पशन की लिमिट है जिसको कहते हैं स्मॉल प्रॉफिट थ्रेशोल्ड, जो कि टैक्स शीट के अंदर लिखा हुआ है। वो जो स्मॉल प्रॉफिट थ्रेशोल्ड है वो इस साल के लिए है 6365। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयड का टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, सही है, एनआईसी पर्पस के लिए
6365 से ज्यादा होगा तो वो क्लास टू एनआईसी पे करेगा, वरना वो स्मॉल प्रॉफिट में आ जाएगा और उसको क्लास टू की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, क्लास टू देने की जरूरत नहीं। अच्छा, क्लास टू का अमाउंट कितना होगा? ये तो बहुत आसान है, फिक्स है, 3 pounds per week, हफ्ते में 3 pounds per week। तो टोटल हफ्ते कितने होते हैं गिवन ईयर के अंदर? 52। तो टोटल क्लास टू एनआईसी कितना बनेगा? 16। ये फिक्स है, कैलकुलेट ये मंथली बेसिस पर हो सकता है, अगर पूरा साल मुकम्मल नहीं हुआ तो आप उसको मंथली बेसिस पर भी ले सकते हैं। तो ये जो रेट है 3 pounds per week और ये जो 3 है, ये दोनों आपको टैक्स शीट के अंदर गिवन मिलेंगे। तो आपको क्या याद करना है? कुछ भी याद नहीं करना, ये प्रॉफिट थ्रेशोल्ड भी मिल जाएगा और ये 3 भी मिल गया, 52 से मल्टीप्लाई करें, आंसर निकाल दें, किस्सा तमाम। अब आ जाए क्लास 4 के ऊपर, ये तो बहुत आसान था, इसमें वर्किंग की भी जरूरत नहीं। क्लास 4 जो है, अच्छा एनआईसी की पेमेंट कब करनी है, किस तरीके से करनी है, ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कस करूंगा। इनकम टैक्स की पेमेंट कब करनी है, पेनल्टी कब लगेगी, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कब करते हैं, ये अभी हमारा हेडेक नहीं है, अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर के लिए छोड़ा हुआ। तो इसी तरह क्लास टू की पेमेंट कब करनी है, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लास फोर जो है वो भी सोल ट्रेडर देगा और उसके लिए भी जो कंडीशन है वो अल्टीमेटली वही है जो क्लास टू वाली है, लेकिन ये जो क्लास फोर है ये परसेंटेज बेस्ड है, परसेंटेज बेस्ड ऑन प्रॉफिट, और इसका जो रेट है वो रेट आपको एग्जाम के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपको याद नहीं करना। उसका रेट है कि अगर आपकी प्रॉफिट लिमिट 8632 से 50,000 के दरमियान हुई तो 9% टैक्स देना पड़ेगा, और अगर 50,000 से ज्यादा हुई तो उस पर 2% देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 pound से लेकर 8632 तक कितना है? 0%। ये टैक्स शीट में ये लिखा हुआ है, ये गिवन, आपको सिर्फ इसके रेट अप्लाई करने। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, उसका प्रॉफिट आया फॉर एग्जाम्पल 60,000, कैलकुलेट अच्छा इसके एमसीक्यूज बहुत अच्छे दिए हुए कैपलान की किट के अंदर, तकरीबन 10 एमसीक्यूज हैं, बहुत हैं, मोर देन इनफ इस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो अब वो एमसीक्यूज करेंगे, उसने हर तरह की वैरायटी उस एमसीक्यूज के अंदर पूछ ली, तो आप ये टॉपिक में खत्म करूंगा, आप जाके वो 10 एमसीक्यूज करें, डन। फिर लॉन्ग क्वेश्चन के बीच में आएगा तो 1-2 नंबर के लिए आएगा, हम इजीली कर लेंगे, तो इतना कोई बड़ा मुसीबत वाला टॉपिक नहीं। देखें अप टू 8632 तो 0% रेट है, तो आपने क्या किया, उसको आप लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या किया 8632 और 50,000 का डिफरेंस निकाला और उस डिफरेंस के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 9%। इसका आंसर बता दे कोई मुझे, और अबव 50,000 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, इसका आंसर बता दे कोई मुझे। 3723 200 टोटल, ये आपकी लायबिलिटी आ गई, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या प्रॉफिट की डेफिनेशन वही है जो हम निकालते थे टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, या डिफरेंट है? तो जो डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट क्या है कि आपका पास जो अकाउंटिंग प्रॉफिट आता है उसको आप टैक्स एडजस्टेड करेंगे नॉर्मल, सही है। तो हम क्या निकालेंगे,
हम निकालेंगे टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, उसके सारे रूल्स याद है तुम लोगों को। और अगर कोई ट्रेडिंग लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड रखा हुआ है, पिछले साल में रिलीफ नहीं मिला, तो वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इसमें से माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट की डेफिनेशन बनेगी फॉर बोथ क्लास टू एंड क्लास फोर। क्लास फोर और क्लास टू के लिए डेफिनेशन कॉमन है, डेफिनेशन एक ही है, लेकिन फर्क ये है कि क्लास टू फ्लैट है और क्लास फोर जो है वो परसेंटेज बेस्ड कहलाता है। सही है। चलिए अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए इज अ सोल ट्रेडर रनिंग हिज बिजनेस फ्रॉम 1670। उसका टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट 19-20 के लिए आया 65,000। उसके पास ट्रेडिंग लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड रखा हुआ है 15,000। कैलकुलेट बोथ क्लास टू एंड क्लास फोर NIC। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कितना होगा, 65,000 माइनस डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट सेज दैट किसके पास प्रॉफिट कितना है 50,000। क्या ये स्मॉल प्रॉफिट थ्रेशोल्ड से ज्यादा है? यस। तो इसका क्लास टू कितना होगा, क्लास टू तो फिक्स है, तो इसका क्लास टू कितना होगा, इसका क्लास टू होगा 156। और इसका क्लास फोर कितना होगा, इसका क्लास फोर निकालना पड़ेगा। इसका जब क्लास फोर निकालने जाएंगे तो 50,000 इसका पूरा है, तो एक्सीड तो इसने वैसे भी नहीं किया, तो 8632 मल्टीप्लाई बाय 9%, 3723। तो इसका टोटल एनआईसी कितना हो गया, क्लास टू 156 और क्लास फोर 3723। दोनों का टैक्स की पेमेंट का तरीका अलग है, राइट, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये हमारा जो है कवर हो गया, क्लास टू भी कवर हो गया और क्लास फोर भी कवर हो गया। इतना ही मुख्तसर सा जो है ना इशू है। अब आ जाते हैं जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। अच्छा, मजे की बात यह है